खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो मुंह का स्वाद बढ़ जाता है और अगर गुड़ की डली मिल जाए तो मिठास दोगुनी हो जाती है। आज के दौर में एक से बढ़कर एक मिठाइयां हैं, तरह तरह के लाजवाब मिष्ठान हैं, फिर भी गुड़ की मिठास के आगे सब फीके पड़ जाते हैं। गर्म गुड़ की खुशबू और मुंह में घुलने वाली मिठास हम सबको खींच ले गई मुजफ्फरनगर के नूना खेड़ा गाँव की ओर, जहाँ पर घर घर में बनता है गन्ने की पिराई से शुद्ध देसी गुड़। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज से मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो अपनी गन्ना बेल्ट के लिए जाना जाता है और जिसके नूना खेड़ा गाँव के घर घर में बनता है शुद्ध देसी गुड़। जी हाँ, गुड़ स्वाद और सेहत का खजाना है, इसलिए आज हम जानेंगे गन्ने की कटाई से लेकर गुड़ के बनने की पूरी प्रक्रिया। दिल्ली से करीब 135 किलोमीटर का सफर तय कर एनएमएफ न्यूज की टीम जा पहुंची मुजफ्फरनगर के नूना खेड़ा गांव में, जहां की मिट्टी की खुशबू, लहराती गन्ने की फसल, गन्ने की पिराई में जुटे किसान और घर के आंगन में चलते कोल्हू, मुंह में घुलने वाले स्वादिष्ट गुड़ की कहानी को बयान कर रहे थे। गन्ने से गुड़ बनाने की प्रक्रिया को जानने के लिए हम जा पहुंचे गांव के सरपंच जोगिंदर जी के पास, जो हमें गांव के निवासी ब्रिजपाल सिंह जी के पास ले गए, जो गुड़ निर्माण के उद्योग से करीब 45 वर्षों से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिजपाल जी, जो कि नूना खेड़ा गांव के ही निवासी हैं और जो इस गुड़ बनाने के उद्योग से करीब 45 साल से जुड़े हुए हैं। और आइए सिलसिलेवार तरीके से गुड़ बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, गन्ने की कटाई से लेकर गुड़ के बनने तक की जो एक समूची प्रक्रिया होती है, आइए इनसे जानते हैं। जैसा यो गन्ना हम ताजा लें, अगर यो गन्ना है बासी, कई दिन का कटाया होगा और इसका अच्छा गुड़ नहीं बनने का, ना स्वाद लगे वो। और ताजा गन्ना ही हम पी रहे हैं, इस वजह देखो यो है नहीं, यहाँ झरना लगा हुआ, रस में तुन का नहीं जाने का और ऐसे साफ स्वच्छ है, कोई है इसकी बारीक निगड़े कुछ बात नहीं। ये अंगया होद्दी बना रखी इसकी, यह रस की होद्दी बन रही, इसमें तो ये पाइप जैसा हम हाँसी ले गए, इसमें कोई तुन का नहीं जाता, जैसा तिन का हो खोई का ऐसा कुछ नहीं जाता। एनएमएफ न्यूज से बात करते हुए ब्रिजपाल सिंह ने बताया कि गुड़ बनाने के लिए उन्होंने कोल्हू लगा रखे हैं, जिससे गन्ने का रस निकाला जाता है और जाली द्वारा साफ रस एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जिसे बाद में पाइप के जरिए सेप्टिक टैंक में पहुंचाया जाता है। हालांकि गांव की भाषा में इन सेप्टिक टैंकों को कड़ाव कहा जाता है। यो रस छन के ही आता रहे बेटा बनते, यो जो पाइप है इसकी असुविधा, इसमें रस चढ़ा लें, तीन चार कड़ाव है ये, पहले इसमें उसमें इससे ही कर लें, फिर वहाँ से जीप चले जाए, यानी कि जो अंतिम कड़ाव होता है उसमें गुड़ तैयार होता है। हाँ, जैसा पहले कड़ाव में तो कच्चा रस है, फिर यहाँ निखारी करी जा, निखारी करने के बाद में अगले कड़ाव में चले जा और फिर उसमें जो है चौथे कड़ाव में वहाँ चाशनी काटने हैं बैठ के गुड़ बनावे, जो उसमें चाशनी घोट के चाक पर डाल ली जा। वहाँ गन्ने का रस एक एक कड़ाव से होते हुए तीसरे कड़ाव में जाकर भी उबलता है। करीब 30 से 35 मिनट तक रस को उबाला जाता है। इस बीच पहले दूसरे कड़ाव में हमें झाग बनता नजर आया, जिसे गंदगी के तौर पर छलनी द्वारा अलग अलग कर दिया जाता है और तब जाकर अंतिम कड़ाव में साफ और शुद्ध गुड़ जमने लगता है। लेकिन ब्रिजपाल से मैं जानना चाहती हूँ, जो आपने चार कड़ाव लगा रखे हैं जिसमें गुड़ तैयार हो रहा होता है, इसमें ईंधन के तौर पर आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? ईंधन के तौर पर ज़्यादा तो जी खोई का करे, इब जैसा बारिश होगी अत खोई के मारो हमने उपड़े ले लिए हैं, प्रदूषण भी इनमें कम है अत हम उपड़े जला रहे। हाँ, तो हमने दर्शकों को बता दूं कि जो ये जिस कढ़ाई में ये बनता है गुड़ तैयार होता है, उसमें ईंधन के तौर पे उपले और जो गन्ने का जब रस निकलता है तो जो उसका खोई जो होता है उसका हम इसमें बतौर ईंधन, ये लोग यहाँ गुड़ बनाते हुए तो उसका इस्तेमाल करते हैं। जोड़ों का दर्द हो या फिर अस्थमा, सौंदर्य में चार चांद लगाना हो या फिर कोई कमजोरी, हर बीमारी का रामबाण माना जाता है गुड़। जैसा यह चाशनी में घोट रहा जी और इस तरह पक्कापन आ जाएगा, अगर मैं यह नरम काट दी तो गुड़ स्वाद नहीं लगने का, नरम गुड़ लगेगा और जितनी से टाइट काट दूंगा उतना ही अच्छा स्वाद आएगा। मेरे तमाम दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि आखिरकार गुड़ कितने प्रकार के आप यहाँ बनाते हैं? गुड़ जी मैं
यहाँ बनाऊँ 8 प्रकार के, एक तो ये सादा गुड़, एक इसकी बर्फी जी बना दें उसमें ट्रे में रख के, एक मूंगफली का, एक तिल का, एक जो कोई जैसा बड़े साहब आए जैसे आप आए ऐसे को भाई काजू बादाम का उसका बना दें जी। गुड़ लगभग तैयार हो चुका था, अब बारी थी कड़ाव से गुड़ को निकालकर चाक पर डालने की, जहां गुड़ को काटा जाता है, जो कि गुड़ काफी गर्म और गाढ़ा होता है, इसलिए फैलते गुड़ को खुरपी से एक जगह समेटा जा रहा था। ब्रजपाल जी, मैं जानना चाहती हूँ जो अभी गुड़ अंतिम रूप जो गुड़ को दे रहे हैं, जो बना रहे, कितने किलो का गुड़ आपके अनुमान से बन? यो मेरे अंदाज में सही 20-25 किलो का, 20-25। तो इस 20-25 किलो के गुड़ में आप कितने मूंगफलियाँ डालेंगे, तिल डालेंगे? इसमें मूंगफली गेरुआ जी 2 किलो और तिल गेरुआ 1 किलो, अत इस तिल भुने हुए हैं, ये कच्चे तो कड़वा ले आ देंगे, मूंगफली भी भुनी हुई है, अगर मूंगफली कच्ची गिरे तो कड़वा लगा गुड़, ये मैं अपने आप भून रखी, बहुत स्वाद लगेगा देखो खा के। एक तरफ जहाँ भुने हुए तिल और मूंगफली वाला गुड़ बनकर तैयार हो रहा था, तो दूसरी तरफ गुड़ की शक्कर छानी जा रही थी। शक्कर जैसा बनाई या दूध मीठा करने के लिए जैसा चाय में शक्कर डाल दी, जैसे चीनी की बनाते हैं चाय, दूध ऊपर ही गेर के खद्दे लगा दो खूब, दूध फटने का नहीं शक्कर में, और स्वाद बहुत बढ़िया होगा। इसे कुछ डॉक्टर लोग ऐसे बताते हैं अगर भाई शुगर वाले भी प्रयोग कर लें इसे, जो गन्ने गन्ने की हो, अगर चीनी डाल लो अथवा शुगर में नहीं प्रयोग होने की, जो सादा गुड़ शक्कर है। इस पूरी प्रक्रिया में हमारा ध्यान आसपास की सफाई पर भी गया, और ये देखकर बेहद खुशी हुई कि गुड़ बनाते वक्त न सिर्फ स्वच्छता का खासा ख्याल रखा गया, बल्कि गुड़ की क्वालिटी में भी किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं थी। ऋषपाल जी, आपको क्या लगता है जो आपका जो ये उद्योग है शुद्ध स्वादिष्ट गुड़ बनाने का, इसमें सरकार की ओर से आप क्या चाहते हैं, क्या सहायता आप लोगों को मिलनी चाहिए? लोन भी नहीं देता जी हमें, तो हमने तो ये हमारे गांव में चौधरी आदमी उन पते ही ले दे के पीछे जब कोल्लू लगाया जुम्मे वगैरह पे 5-6 लाख इन्हें पाड़ेंगे मजदूरी कर कर नहीं सहज, और मजदूरी हम कर ही रहे जी, गन्ने लगावे अपने आप, झोंके भी अपने आप ही, हमारे घरवाली झोंक रही अति, तो सब काम ऐसा ही है, मजदूरी बच जा हमें, दूसरे के नूनिया कहीं कहीं फिर हम धक्के खाते। भुनी हुई मूंगफली और तिल का गुड़ बनकर तैयार था, अब बारी थी नूना खेड़ा गांव के शुद्ध देसी गुड़ को चखने की। नूना खेड़ा अपने इसी प्योर गुड़ के लिए जाना जाता है, और यहाँ की जो गुड़ मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। तो ये हमने आपको बताया NMF न्यूज़ से, हमारी ये खास कवरेज थी कि किस तरह से गन्ने की कटाई से लेके गुड़ के बनने की पूरी प्रक्रिया। सहयोगी नागरदत्त शर्मा के साथ कविता राणा की रिपोर्ट।